आइडिया था, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ऑफ कोर्स, मेरा नाम राकेश है, मैं रोज यहाँ कॉफी पीने आता हूँ। आप? नहीं, बस यूं ही कभी कभी। वैसे आप करते क्या है? जी मैं एक कलाकार हूँ, लेखक भी हूँ पर गाना भी गाता हूँ, तो हाँ सीरियल में भी काम करता हूँ। आजकल इतने चैनल हुए हैं कि पता ही नहीं चलता। तभी मैं सोचूं कि आपको कहीं तो देखा है। इसका मतलब आप सीरियल देखती हो? नहीं नहीं, बस यूं ही कभी कभी। मेरा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है कि मन बेचैन हो जाता है। मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ और पेशेंट्स के प्रॉब्लम सुनते सुनते मन थोड़ा बेचैन हो ही जाता है ना, और मेरे प्रॉब्लम से किसी को बता भी नहीं सकते। अकेली? नहीं नहीं, मेरी पति है, वो एक वकील है, कोर्ट में लोगों के केसेस लड़ते लड़ते उन्हें मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। I'm sorry, it's perfectly fine, ये उनका तरीका है लाइफ जीने का, that's okay। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? Of course, पूछिए। आप जो सीरियल में काम करते हैं वो आपको पसंद है? पसंद है ऐसा नहीं, लेकिन लोगों को मेरा काम पसंद आता है इसलिए करता हूँ। आपको नहीं लगता कि आप जो करते हैं वो सब झूठ है? लगता है, मगर लोगों को वही देखने में आनंद आता है इसलिए मैं करता हूँ। पर अभी अभी तो आप गा रहे थे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, क्या आप में सच्चा प्यार करने की हिम्मत है? क्या आप भी अकेले हैं? मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी बैंक में सर्विस करती है, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए उसके पास समय नहीं है, इसलिए मैं सीरियल में मन लगाकर काम करता हूँ। अरे वाह, इसका मतलब हम दोनों एक ही बात के शिकार हैं, जिसे लोग प्यार कहते हैं। आपने कहीं मुझे गलत तो नहीं समझा? क्या आप में सच्चा प्यार करने की हिम्मत है? लेकिन मेरे पत्नी के पास फुर्सत ही नहीं। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द जो मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते वो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। गाना तो मैं दिल से गाता हूँ, लेकिन कोई आज तक नहीं है। मिली नहीं तो आज मिल जाएगी। मतलब मैं समझा नहीं। समझने वाले को इशारा ही काफी है। मैं लोगों की तारीफ करती हूँ, मुझे लोगों की तारीफ करना पसंद है, लोगों को दवाइयाँ देकर ठीक करती हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई नहीं मिला जो मेरी तारीफ कर सके। खैर, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कल सुबह मैं शिव मंदिर जा रही हूँ, ठीक 9 बजे जरूर आना। पक्का। आज हम दोनों समय पे आए हैं। वैसे तुम डॉक्टर होकर भी मंदिर आती हो? नहीं, मैं भी आता हूँ मंदिर, क्योंकि मेरा विश्वास है जिंदगी में जो चढ़ाव उतार रहते हैं उससे थोड़ा सा परेशान है। लोग एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी उसकी उम्र, तनख्वाह, पढ़ाई देखकर शादी कर लेते हैं। उनका दिल क्या चाहता है ये कोई जानना नहीं चाहता, सिर्फ वो कितना कमाता है, उसका खुद का मकान है या नहीं, इतना देख के शादी कर लेते हैं। लेकिन उनके दिल में जो हलचल है उसका किसी को बता नहीं चाहता। बिल्कुल सही कहा, दिल के अंदर कोई नहीं जा सकता। शादी के बाद ही तुम्हें हमारे पार्टनर का असली रंग पता चलता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि पति पत्नी ने
खुद में क्या कमी है ये देखना चाहिए। तुमने देखा है कि तुम्हारे में क्या कमी है? तुमको तो यही लगता होगा ना कि तुम बिल्कुल सही हो। मुझे भी यही लगता है। सच बात तो ये है कि कोई किसी को बदल नहीं सकता। एक बात तो तुम्हारे चेहरे की ओर देखकर ऐसा लगता है कि तुम डॉक्टर होकर भी तुम्हारे कितने सोचे हुए विचार हैं। तुम जो प्यार चाहती हो वो तुम्हारा पति तुम्हें दे नहीं सकता। इतनी सिंपल सी बात वो नहीं जानता। और जो प्यार मैं चाहता हूँ वो प्यार मेरी पत्नी मुझे नहीं दे सकती। ऐसे कारणों से पति पत्नी में जो दरार आती है वो ये लोग समझ नहीं सकते। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तेरा नाम है क्या? सपना। सपना एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, मुद्दतों से आरजू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, एक हसीन शाम को क्या बात है राकेश, आज तो बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। बताओ मुझे। सपना, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन डर लगता है, कहीं तुम्हें गुस्सा आ गया तो। सपना, सपना क्या हुआ? गुस्सा मुझे मेरे पति पर आता है जिससे मेरी कोई परवाह नहीं। शादी तो मेरी हो गई, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन जिंदगी अब कैसे जीनी है ये तो मेरे हाथ में है ना। शारीरिक सुख तो पल भर का होता है, लेकिन आंखों में आंखें डालकर हाथ में हाथ पकड़कर भी कोई एक दूसरे का हो सकता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया अपनी है। सपना, तुम्हारे विचार कितने सुंदर। ऐसा लगता है कि तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। मैं अपने पति से यही चाहता हूं लेकिन उसे मेरी कोई परवाह नहीं। सपना, ऐसा क्यों होता है? फिर वो बैंक में सर्विस करके बिजी रहना चाहती थी तो फिर शादी क्यों की? भूतकाल की मुझे परवाह नहीं, मेरे सामने जो वर्तमान है उससे मैं खुश हूं। लेकिन इस दोस्ती को दुनिया क्या नाम देगी? ओ राकेश, ये सब सोचना बंद करो। तुमने बुलाया और मैं चली आई, बताओ अब क्या काम है? सपना, बात तो मैं तुमसे बहुत करना चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। एक दूसरे के प्रति शक करना क्या ये प्यार है? यह शक ना करना ये प्यार है? शक के चक्कर में अगर पड़ोगे तो कभी प्यार नहीं कर पाओगे। खुल के बताओ क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में? सपना, मैं चाहता हूँ कि अपनी ये दोस्ती सलामत रहे। बस इतनी सी बात? मैं तो ये जानना चाहती थी कि तुम दोस्ती में कितना आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब
क्या तुम सिर्फ हाथ पकड़ना चाहते हो या आंखों में आंखें डालकर बैठना चाहते हो? सपना हम लोग शादीशुदा है और शादी हमारे लिए एक बंधन है। राकेश तुम किस दुनिया में जी रहे हो? क्या ऐसे बंधन को सिर पर उठाकर जीते रहोगे? शादी ये पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर कोई एक गैर जिम्मेदार है तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सपना तुम सच कह रही हो, मैं डरता नहीं लेकिन ये सोचता हूँ कि अपनी दोस्ती कहाँ तक सीमित रखे, लक्ष्मण रेखा कौन सी हो। राकेश तुम कोई रावण नहीं हो, मैं सीता नहीं हूँ। हमारी दोस्ती में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होगी। तुम जहां तक चाहो इस दोस्ती में आगे बढ़ सकते हो। सुनो, हमारे हॉस्पिटल के हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट के सामने एक मैसेज लिखा है, अगर दिल खोला होता यारों के साथ तो ना खोलना होता औजारों के साथ। सपना तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे दिल को चोट पहुंचे। तुम्हें प्यार की 5 बातें पता है? नहीं, पर मैं जानना जरूर चाहूंगी। हाय राकेश। हाय। आज अचानक मुझे कैसे याद किया? तुम्हें याद नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? अच्छा हो गया तुम आ गए, आओ बैठो। या राकेश, कोई सीरियस बात है क्या? सीरियस नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग बात है। तुझे तो पता है मेरा वैवाहिक जीवन कैसा है। लेकिन राकेश, मैंने तुझे प्रेम की पाठ भाषा बताई थी, उसका प्रयोग तुमने किया कि नहीं किया? प्रेम की पांच भाषा का उपयोग करने के लिए मेरी पत्नी तो मेरे साथ नहीं थी, वो हमेशा नीचे रहती। तो मैं क्या करूं? राकेश, उसकी तारीफ करो, उसको हेल्प करो, उसको गिफ्ट दो, उसको मदद करो और प्रेम से स्पर्श करो। स्पर्श ये कैसे संभव है? ये सब करने के लिए पत्नी तो मेरे साथ होनी चाहिए। हाँ। तुम सकारात्मक सोचोगे तो ये संभव है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ बात ही नहीं करती। मैंने बहुत तारीफ की लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसे समय देने के लिए वो घर में कहाँ रहती है? स्पर्श करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राकेश, राकेश उसका कोई चक्कर चल रहा है क्या? मेरी पत्नी बैंक में मैनेजर है, उनके दोस्तों की पार्टियों में बिजी है। चलो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि मुझे एक दोस्त मिल गई है जो मुझे अच्छी लगती है। वेरी नाइस। कौन है वो? यहाँ मैं बैठकर कॉफी पी रहा था और गाना गा रहा था, किसी के मुस्कुराने को। वो गाना उसने सुना, मेरे पास आई, मुझे हाय बोला और कहने लगी कि मुझे आपका गाना बहुत पसंद आया है, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? इट इज वेरी एक्सलेंट। फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसे थैंक यू कहा। फिर उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने सब सच बता दिया। फिर वो कहने लगे कि क्या आप में सच्चा प्यार करने की हिम्मत है? मतलब? मैंने कहा कि मैं सीरियल में काम करता हूँ। तो वो बोली ये सब झूठ होता है। और फिर उसने पूछा क्या तुम सच्चा प्यार कर सकते हो? तो मैंने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और ये सब करने के लिए मेरे पत्नी के पास फुर्सत नहीं है। तो हंसने लगे और बोली गाना तो तुम अच्छा गाते हो, अभी तक कोई मिली नहीं क्या? तो बोलना था ना मिल जाएगी। यही हुआ, उसने कहा कि समझने वाले को इशारा काफी होता है। अब मैं सोच में पड़ गया हूँ कि क्या करूं और तुम कहते हो कि प्रेम की 5 भाषा शादी में महत्वपूर्ण है। परफेक्ट। उसकी तारीफ करना, उसको ज्यादा समय देना, उसको गिफ्ट करना, उसको हेल्प करना और प्यार से स्पर्श करना, सब तो शादी के बाद करते हैं ना। बिल्कुल सही, जो ये करेगा
वो जीवन में सदा सुखी रहेगा। लेकिन वो शादीशुदा है, डॉक्टर है, जैसे मेरी कहानी है बिल्कुल उसकी भी कहानी वैसी ही। अब मैं क्या करूं? हाँ, मगर मैं जैसे चाहता था वो बिल्कुल वैसे है, और वो जैसे चाहती थी वैसे मैं। मैंने उसको समय दिया, हाँ गिफ्ट देना बाकी है, मैं उसको मदद करूंगा। स्पर्श का पता नहीं। अरे वाह, तू तो छुपारू सब निकला, तू बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन तेरे जैसा प्रॉब्लम कई लोगों का है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। दुनिया में, जीवन में पति पत्नी ने एक साथ ईमानदार रहे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना उनका पार्टनर अलग रास्ता ढूंढ लेगा। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है प्यार। प्यार अमर था, प्यार अमर है, और प्यार अमर रहेगा, इसमें जरा भी शक नहीं। प्यार में दो दिल मिलते हैं, प्यार में दो दिल सब कुछ भूल जाते हैं, और प्यार में अनजान आदमी भी दोस्त बन जाते हैं। अंतर्मन एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जिसमें प्यार यदि निर्माण हो गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। महेश, जिंदगी में परेशान होकर किसी के मन में भी ये गाना जरूर आता होगा। दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए, ये वाला गाना जरूर आता होगा। और ऐसे समय कोई इंसान मंदिर में जाकर उस पत्थर की मूर्ति के सामने अपने दिल का दर्द कहता होगा और भगवान उसे तथास्तु करके आशीर्वाद देता है, ऐसा ये समझता हूँ। राकेश, इसीलिए मैं कहता हूँ तेरी जिंदगी में जो आई है उसे तू वेलकम करेगा तो जीवन में तुझे शांति जरूर मिलेगी। तो इसी बात पे हो जाए कॉफी। बिल्कुल, दो कॉफी आना। सपना, हेलो। हाय राकेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाँ, आपका आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। बोलो क्या काम है? एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा फोन कर लूं। क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, यू ही। बस आज मेरा डे ऑफ है और मेरे हस्बैंड भी केस जीतने की खुशी में बाहर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम हमारे दोस्ती का भी सेलिब्रेशन करें। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो अभी? हाँ आता हूँ। बाय बाय। राकेश आने के बाद मैं उसको दिल से सब कुछ बता दूंगी। उससे बातें करने से मुझे कितनी खुशी मिलती है ये भी उसको कहूंगी। आज मैं उसका हाथ हाथों में लेकर कहूंगी, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? आज मैं तो राकेश को छोड़ूंगी नहीं, उसे दिल से गले लगा लूंगी। तुमने बुलाया और हम चले आए, जान है तीली पर ले आए रे। आओ। कैसी हो सपना? तुम्हारे पति कोर्ट के जीतने का सेलिब्रेशन बाहर मना रहे हैं। हाँ, और मैं अपनी दोस्ती का सेलिब्रेशन मना रही हूँ। तुम आज आए, मैं बहुत खुश हूँ। सपना, वो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। सिर्फ आंखों में देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? हाँ। सपना, मैं तुम्हारी जितनी भी तारीफ करूं कम है। मैं भी आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुम्हें संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। मुझे मेरे दिल में ऐसा ऐसा सुने लगा है, बस जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया है।
लेकिन मुझे तो तुम्हारा आनंद कुछ दिख नहीं रहा। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? गलत कहा नहीं, पर अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हम कॉफी हाउस में नहीं है, गार्डन या मंदिर में नहीं है, हम मेरे घर पर बैठे हैं और तुम मेरी नजरों में कैद हो। मैं तो आजाद हूं। लगते आजाद हो पर तुम मेरी नजरों में कैद हो और अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मैंने बस यूं ही कह दिया था। राकेश तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें आज मेरे घर पे क्यों बुलाया है? सिर्फ बातें करने के लिए? मैं डॉक्टर हूँ, मैं मरीज का पूरा इलाज करूंगी। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मरीज की पूरी जांच करके उसका इलाज करती हूँ। तुमने भी डॉक्टर को नजदीक से देखना चाहिए। डॉक्टर सच बोल रही है या झूठ? डॉक्टर के पास आए हो तो सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल का इलाज बताऊंगी। हम दोनों आपस में घुल मिल जाए तो जिंदगी हसीन लगने लगेगी। सपना हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए तो प्यार बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। तुमने गाना सुना होगा। सर झुका के जियो, नाम छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, नाम छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। नाम छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।